आज के वीडियो में आपको एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको कि कुम्स टेस्ट भी कहा जाता है। तो एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट या कुम्स टेस्ट को जो है इंट्रोड्यूस्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कुम्स मॉरेंटन रेस। 1945 में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, और इसी साइंटिस्ट के नाम की वजह से ये एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट का नाम कुम्स टेस्ट भी बोला जाता है, रखा गया है। और ये टेस्ट जो होता है ये डिटेक्ट करता है, ये टेस्ट किस लिए होता है, तो डिटेक्शन करने के लिए होता है एंटीबॉडीज़ का। जो एंटीबॉडीज़ आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, और बाइंड करते हैं लेकिन एग्लूटिनेट नहीं कराता, क्योंकि वो इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज़ होता है, लेकिन बहुत बारी एग्लूटिनेट भी कराता है और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कराता है। वैसे जिसकी वजह से एनीमिया होता है, आरबीसी की कमी होती है डिस्ट्रक्शन की वजह से, तो उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, जो कि दो टाइप का होता है, एक DAT और एक IAT, मतलब डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट और इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट। तो इसमें से इस वीडियो में आपको डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट के बारे में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट के बारे में बताएंगे, और दोनों के बारे में ये भी आपको बताएंगे कि ये जो DAT है वो किस किस कौन कौन से एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए होता है, मतलब कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है तो ये टेस्ट किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। किस किस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए होता है इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं प्रिंसिपल पे कि HG यानी कि एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि बेस्ड है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ पे, यानी AHG, जो कि यहाँ पे रिएजेंट होता है AHG, ये कंबाइन करता है जिस भी पर्सन का जो RBC पे, मतलब जिस भी पर्सन में एंटीबॉडी डिटेक्ट करना होता है, तो वो एंटीबॉडी जाकर के तो RBC के RBC से ही क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो इसलिए RBC कोटेड विथ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, ह्यूमन का जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, यानी कि ह्यूमन पे जो कोटेड होता है एंटीजन, उसको उसी से जाकर के ये बाइंड करेगा, और फिर एग्लूटिनेशन होगा जिससे हमको पता चल पाएगा। अब यहाँ पे एक कम्प्लीमेंट भी टर्म दिया हुआ है, तो कम्प्लीमेंट कहने का मतलब होता है कि वैसे प्रोटीन होते हैं, टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कि एंटीबॉडीज़ का की मदद करते हैं एग्लूटिनेशन में, मतलब रिएक्शन में, एंटीजन को पकड़ने में, मारने में एंटीबॉडीज़ की मदद करने वाले होते हैं, मतलब इफ़ेक्ट को बढ़ा देते हैं एंटीबॉडीज़ के। तो ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे HG के बारे में जो बोल रहा है, यानी कि एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, यानी कि एंटी है यानी ह्यूमन के अगेंस्ट में बनने वाला, जो मतलब ह्यूमन के एंटीबॉडी के अगेंस्ट बनने वाला एंटीबॉडीज़, जिसके लिए ह्यूमन के एंटीबॉडी एज एंटीजन काम करेगा, तो ये हो जाएगा एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। और ये जो है ये ब्रिज की तरह काम करता है, कंकाउसेस एग्लूटिनेशन ऑफ RBC के साथ ये बाइंड कर करके, और क्या बनाता है, एग्लूटिनेशन बनाता है ब्रिज बना करके। यहाँ पे HG की बात अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं कि ये HG होता है रिएजेंट, जिसमें कि एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन होता है, मतलब ये कि ये जो बनाया जाता है ना, जैसे पर्सन को अगर इस तरह के, जिस पर्सन में एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करना है, जिस जो भी एंटीबॉडीज़ है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब डिजीज़ हो रहा है, तो उसको जो उस एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना है, तो उस एंटीबॉडी को पहले किसी एनिमल में डाल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए रैबिट में, तो रैबिट में अगर ह्यूमन का एंटीबॉडी है जिसको आपको डिटेक्ट करना है, उसको डाल दिया जाता है रैबिट में, तो रैबिट के बॉडी के लिए तो एंटीजन की तरह काम करेगा, तो रैबिट का बॉडी उसके अगेंस्ट में बनाने लगता है एंटीबॉडी। तो जो डाले हैं वो एंटीबॉडी कहाँ का है, ह्यूमन का, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना रहा है रैबिट का बॉडी या किसी भी एनिमल का बॉडी, तो वो क्या हो जाएगा, वो एंटीबॉडी हो जाएगा ह्यूमन के एंटीबॉडी का एंटी, तो उसको बोल देते हैं एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। और उसी रिएजेंट को यूज़ किया जाता है यहाँ पे ह्यूमन में जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, मतलब इसको डालेंगे तो ह्यूमन में जो एंटीबॉडी होगा, जो कि RBC से जाकर के बाइंड करके उसका एग्लूटिनेशन कराता है, उसको इसकी मदद से हम डिटेक्ट कर पाते हैं।
ये बात हो गई, ये तो प्रिंसिपल। और अब टाइप्स तो देख ही रहे हैं कि टाइप्स जो है वो डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट होता है और इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट होता है, DAT और IAT उसका शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। दो टाइप का ये टेस्ट होता है। तो ये दोनों में, दोनों के बारे में अच्छे से बताएंगे, कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन से डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है, सारी बात अभी देखेंगे। लेकिन मेन डिफरेंस आपको अगर कभी भी बताना हो तो आप ये दोनों में मेन डिफरेंस ये बता सकते हैं कि जो डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट होता है वो पेशेंट का RBC को टेस्ट किया जाता है अगेंस्ट द रिएजेंट सीरम, जो रिएजेंट HG लेंगे अगेंस्ट द, मतलब यहाँ पे सैंपल हम लेंगे पेशेंट का RBC और वो रिएजेंट देंगे, तो ये दोनों का एग्लूटिनेट करेगा और रिजल्ट शो करेगा। और इनडायरेक्ट वाले में क्या होता है कि पेशेंट का सीरम लेते हैं और उसको, उसके लिए, उसके अगेंस्ट में रिएजेंट क्या लेते हैं, RBC। यहाँ पे पेशेंट का RBC पे को एज अ सैंपल लेकर के और सीरम यहाँ पे रिएजेंट लेंगे, और यहाँ पे सीरम लेंगे। इनडायरेक्ट वाले में सैंपल लेंगे सीरम और रिएजेंट लेंगे RBC, ये फ़र्क होता है दोनों में। तो आज सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट यानी DAT के बारे में। तो इसमें ये दिया हुआ है कि टू आइडेंटिफाई इफ अ पेशेंट्स RBC आर कोटेड विद इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर कम्प्लीमेंट या फिर बोथ। ठीक है, मतलब ये कि जिस भी पेशेंट में अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है, जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है RBC के सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन के अगेंस्ट में, तो उसी एंटीबॉडी को ना डिटेक्ट करना है, तो वही एंटीबॉडी यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन दिया है। और साथ में हो सकता है कि उसको कम्प्लीमेंट भी हो, या तो फिर सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन और कम्प्लीमेंट हो या फिर दोनों हो। तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट जो सिर्फ काम करेगा, कम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी तो होगा ही है। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडी, वो याद रखिएगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट का बस ये काम होता है कि उसकी इफेक्टिव, उसकी इन्फ्लुएंस को बढ़ा देता है एंटीबॉडी के, तो वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो ये बात हो गई। डिटेक्ट क्या करना है, तो उस एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना है जो अगेंस्ट द RBC काम कर रहा है, RBC के एंटीजन के अगेंस्ट में काम कर रहा है, RBC से जाके बाइंड कर रहा है और RBC का डिस्ट्रक्शन करा रहा है, उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है यहाँ पे। और AHG क्या है, तो बोल रहा है AHG विद रिएक्टिविटी ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन और कॉम्प्लीमेंट इज एडेड टू द पेशेंट्स RBC। यही है ह्यूमन के एंटीबॉडी को, यानी ह्यूमन के इम्यूनोग्लोबुलिन बोलिए, एंटीबॉडी बोलिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं, तो AHG देते हैं एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन के अगेंस्ट में एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन देते हैं, जो कि और किसके साथ ऐड करते हैं, तो पेशेंट के RBC के साथ ऐड करा जाता है, मतलब सैंपल लिया जाता है पेशेंट का RBC, क्योंकि RBC पे एंटीजन है और RBC से ही जाकर के ना वो एबनॉर्मल एंटीबॉडी बाइंड किया होगा, और उसको फिर डिटेक्ट करना है AHG रिएजेंट के थ्रू, तो AHG को इसलिए ऐड कराते हैं RBC के साथ। तो अगर एग्लूटिनेशन होता है तो क्या होता है, ये एबनॉर्मल एंटीबॉडी जिसको डिटेक्ट करना है वो प्रेजेंट होगा, और अगर नहीं होगा तो टेस्ट नेगेटिव होगा, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तो टेस्ट नेगेटिव होगा। ये बात हो गई। अब यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हमको स्पेसिमेन क्या चाहिए होता है, तो वेनस ब्लड ले लेते हैं EDTA में, ये वाला EDTA का ट्यूब होता है, पर्पल कैप वाला, ये तो समझ रहे हैं। इसके बाद मटेरियल हमको क्या चाहिए, तो एक तो टेस्ट ट्यूब चाहिए जो कि ये देख रहे हैं, और HG रिएजेंट चाहिए होता है जो कि आपको अवेलेबल होता है, ये रहा HG रिएजेंट। इसके अलावा आपको पॉजिटिव कंट्रोल सेल IgG कोटेड ये चाहिए होता है, ये भी आपको अवेलेबल होता है, और सेंट्रीफ्यूज और माइक्रोस्कोप चाहिए होता है देखने के लिए। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर में करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको 5% सेल सस्पेंशन बना लेना होता है। सेल सस्पेंशन के लिए वीडियो आपको बनाए हुए हैं, वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं। मेनली करना ये होता है कि जैसे 0.5 ml ऑफ ब्लड ले लेंगे और 10 ml ऑफ ले लेंगे हम सलाइन, और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर जो सुपरनेटेंट जो ऊपर तैरता रहता है ना, वो सुपरनेटेंट होता है, तो उसको गिरा करके बहा देंगे, फिर नीचे जो बचेगा फिर उसमें सलाइन डालेंगे, फिर वैसे ही करेंगे, मतलब 3 बार उसी तरह से वॉश करके सुपरनेटेंट को हटा देते हैं, तो वो सेल सस्पेंशन तैयार हो जाता है। ये अभी नहीं अगर समझ में आ रहा है तो सेल सस्पेंशन वाला वीडियो होगा, उसको प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि सेल सस्पेंशन आपको कैसे तैयार करना है RBC से। ठीक है,
और हाँ, RBCs में भी पहले तो ब्लड जो लिया है EDTA में, उसको तो पहले हम कर लेंगे सेंट्रीफ्यूजर कर करके, RBC और सीरम अलग कर लेंगे, और तब वहाँ जो RBC सेंट्रीफ्यूज करके हमको मिला है अलग करके, उससे फिर हम 5% सेल सस्पेंशन बनाएंगे सलाइन के साथ। तो सलाइन के साथ सेल सस्पेंशन कैसे बनाते हैं वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही काम कीजिएगा। तो सेल सस्पेंशन जब बन गया आपका, तो टेस्ट ट्यूब जो अभी दिखाए, तो टेस्ट ट्यूब में आपको एक ड्रॉप ले लेना है पेशेंट का सेल सस्पेंशन जो आप अभी बनाया, एक ड्रॉप ले लिया, और फिर दो ड्रॉप रिएजेंट जो अभी आपको दिखाया, तो एक ड्रॉप ले लेंगे सेल सस्पेंशन, और दो ड्रॉप ले लेंगे हम HG रिएजेंट, और उसको फिर क्या बोल रहा है कि उसको हमको अच्छे से मिक्स कर देना है और सेंट्रीफ्यूज कर देना है एक मिनट के लिए। उसके बाद बोल रहा है सेंट्रीफ्यूज एक मिनट करने के बाद उसको अच्छे से शेक कीजिए, और शेक करके अपने आँख से देखिए, आपको उस ट्यूब में जो है एग्लूटिनेट किया हुआ, क्लम्प किया हुआ सा दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है, वो देख लीजिए। अगर क्लम्प किया है तब तो पॉजिटिव है रिज़ल्ट, तब तो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज का मतलब है कि ब्लड में प्रेजेंट है, ये पता चल जाएगा। और अगर एग्लूटिनेट नहीं हुआ तो नेगेटिव तुरंत नहीं समझना है, बल्कि आपके पास जो कंट्रोल सेल है उसमें से एक ड्रॉप कंट्रोल सेल उसमें मिलाइए, और फिर एक मिनट के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज कीजिए, और उसके बाद फिर देखिए कि ये एग्लूटिनेशन हो रहा है कि नहीं। अगर कंट्रोल सेल मिलाने के बाद भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तब इसका मतलब है कि टेस्ट ही इनवैलिड है, रिजल्ट ही इनवैलिड है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ हुआ है, तब उसको आपको फिर से करना पड़ेगा। और अगर कंट्रोल सेल मिलाने के बाद एग्लूटिनेट कर गया तब कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ टेस्ट नेगेटिव है। ये तो हो गया कंट्रोल सेल मिलाने के बाद, और पहले ही अगर शुरू में ही एग्लूटिनेशन हो गया तब तो समझ जाना है कि टेस्ट पॉजिटिव है। ये समझ रहे हैं प्रोसीजर कि सेल सस्पेंशन बनाया, एक ड्रॉप मिलाया टेस्ट ट्यूब में, एक ड्रॉप मिलाया सेल सस्पेंशन, और दो ड्रॉप मिलाया HG, अच्छे से मिला दिया, एग्लूटिनेशन सेंट्रीफ्यूज करके एक मिनट एग्लूटिनेशन देखा। एग्लूटिनेशन हुआ तो इसका मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ तब रिजल्ट नेगेटिव है। लेकिन ये हमको अभी कंफर्म करना है कि सही में रिजल्ट नेगेटिव ही है या हमको गलत रिजल्ट आ रहा है। तो अगर नेगेटिव ही है इसके लिए एक ड्रॉप कंट्रोल सेल मिला देंगे, और एग्लूटिनेशन हो गया तब कंफर्म हो जाएंगे कि सेल ये रिजल्ट नेगेटिव है, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है इनवैलिड है, टेस्ट में गड़बड़ हुआ है, आपको फिर से करके देखना है। ये हो गई बात। अब यहाँ आ जाते हैं यूज़ पे, तो ये जो टेस्ट किया जाता है वो क्या क्या दिक्कत होता है, कौन कौन सा डिज़ीज़ होता है, तो ये टेस्ट करेंगे हम। यूज़ क्या क्या है ये DAT का, तो डिटेक्ट करा जाता है इससे ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, मतलब अपना ही सेल जो एंटीबॉडीज़ अपने ही सेल के अगेंस्ट में बना करके RBC को डिस्ट्रक्ट करने लगता है, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए ये एंटीग्लोबुलिन टेस्ट किया जाता है, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। इसके अलावा हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन अगर होता है, जब इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, मतलब डोनर से लेकर के रिसिपिएंट को जब ब्लड दे रहे हैं और अगर किसी तरह का रिएक्शन हुआ पेशेंट में रिसिपिएंट में, तो इसका मतलब है कि इनकम्पेटिबल है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ इनकम्पेटिबल है। तो इनकम्पेटिबल किस प्रोटीन के कारण है, मतलब सेम ब्लड ग्रुप है उसके बाद भी अगर रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होता है जिसके कारण ये रिएक्शन होता है। तो उसको देखने के लिए हमको, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है DAT। जैसे ट्रांसफ्यूज़न करना है तो ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले ही भी दोनों के ब्लड ग्रुप को चेक करा जाता है, तो अगर चेक करेंगे और रिएक्शन हो गया वहीं पे, तो भी समझ में आता है कि सेम ब्लड ग्रुप होने के बाद भी अगर रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई एंटीबॉडीज़ एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रहा है, तो उस एंटीबॉडीज़ को इस टेस्ट की मदद से डिटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो है डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है न्यूबॉर्न का हेमोलाइटिक डिजीज, अगर न्यूबॉर्न में हेमोलाइटिक डिजीज़ हो रहा है यानी कि RBC का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, अगर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ की वजह से हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यही टेस्ट का यूज़ किया जाता है। और बोल रहा है कि डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अटैच टू द फिटल RBC, फिटल RBC यानी कि फिटस, जो अभी अनबॉर्न बच्चा है, मतलब अभी जन्म नहीं हुआ है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से प्रॉब्लम होता है, यानी कि बच्चा पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है, तो उसका एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट में बनने लगता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी ड्रग्स, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है
और उसकी वजह से अगर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी में, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये डीएटी टेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया यूज़ कि क्यों किया जाता है डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, किस किस चीज़ के लिए और कैसे किया जाता है, वो सारी बातें बता दें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।